लेकिन सर एचडीएफसी बैंक देखिए, मर्जर की खबर के बाद से काफी सारी मतलब उस समय की जो तेजी आई थी वो तो आई थी, लेकिन उसके बाद से गिरावट और जिस तरीके से चला है, अभी काफी सारे एनालिस्ट इसको खरीदारी की राय दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए या? एक रिलीफ रैली इसके अंदर बन रही है लवजीत जी, और बैंकिंग के अंदर में एचडीएफसी बैंक जो है एक ऐसा स्टॉक है, एचडीएफसी और आईसीएस है, जो बैंकिंग को थोड़ा सा जो है सो एक होल्ड करके रखने की कोशिश करेगा। इमीडिएट टारगेट मेरे लिए इसका बन रहा है कुछ 1365 से 70 के बीच में। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से इसको बाई कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आपको नीचे आपके काफी मौके मिलेंगे, बिकॉज डबल बॉटम फॉर्मेशन जो इसने किया है कुछ 1300 1292 के आसपास में, तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन सस्टेनेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज डबल बॉटम फॉर्मेशन पे जो जो क्राइटेरिया होती है सस्टेन करने के लिए, वो क्राइटेरिया मेरे पास में मैच नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको इग्नोर कर रहा हूँ डबल बॉटम फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर एक रिलीफ रैली के लिए आपसे 1370 के लिए ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज आपको नीचे में लेवल मिलेगा वहां पर आप बाई करो अगर लॉन्ग टर्म बाई करना है तो। ठीक है, तो ये राय है एचडीएफसी बैंक पे। सर मैं अगर यहाँ पे अभी बाय करता हूँ तो स्टॉप लॉस कुछ देंगे? इसका स्टॉप लॉस मैं 1390 रुपया दूंगा, सॉरी 1290 रुपया, क्योंकि 1290 के से नीचे उतरता है तो ये मेरे लिए 1222 बनाता है। नंबर जो है मुझे 1290 के नीचे 1222 दे रहे हैं, और 1290 के नीचे में जो है सो बहुत निगेटिविटी जो है, निगेटिव फैक्टर काफी आ जा रहे हैं इसके अंदर में, तो इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1290 पर रख करके या ट्रेड करो या इन्वेस्टमेंट भी करना है तो, अदरवाइज इसके नीचे मत देखना। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे लगना है वो बता दीजिए, एचडीएफसी बैंक।